रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति अस्पताल में मरीजों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है। आलम यह है कि गर्मी में गला तर करने के लिए लोग पानी खरीद रहे हैं। अस्पताल में पानी की टंकी तो है, लेकिन पिछले कई महीनों से उसकी सफाई नहीं की गई। वहीं अस्पताल प्रबंधन इसका ठीकरा पीडब्ल्यूडी पर फोड़ रहे हैं। यहां दूर दूर से लोग इलाज कराने पहुंचते हैं ताकि उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। वहीं सरकार ने इसके लिए इंतजाम तो किए हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जीजा एडमिट है, हैंडीकैप है जीजा। पानी की बहुत प्रॉब्लम है और थोड़ा सा साफ़ सफाई भी, और पानी आ ही नहीं रहा नल में, बाहर से पानी लेके आना पड़ता है बॉटल वगैरह में, तो बाथरूम वाथरूम जाने में थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ। और बोलने से थोड़ा बोलते हैं लेकिन नहीं हो रहा है कुछ। अभी रूम में ले जाने के लिए सोच रहे हैं, प्राइवेट रूम में, क्योंकि हैंडीकैप है जीजा हमारे, तो नहीं बनता वो, थोड़ा सा जनरल वार्ड में। हम लोग रहते ऊपर वार्ड में, 18 नंबर वार्ड में, उसमें पानी तो आता ही नहीं, बिल्कुल ही पानी नहीं आता, पानी का प्रॉब्लम होता है। और फिर बोलते हैं बाथरूम गंदगी है, तो पानी नहीं आ रहा है तो बाथरूम लेटरिन बाथरूम तो गंदगी होगी भैया। गर्मी बढ़ने के साथ जो भूजल स्तर है वो धीरे धीरे नीचे घट जाने लगता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ जो बोर जिनका जल वाटर लेवल थोड़ा ज़्यादा रहता है, उनसे अस्पताल के ओपीडी बिल्डिंग और वार्ड दोनों जगह पानी की आपूर्ति होती है। और अभी जैसे अस्पताल में जो 3 बोर हैं वो अभी वार्ड में उनसे पानी की आपूर्ति हो रही है। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि नगर निगम का जो पानी है वो सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा आता है, तो उससे हम कोशिश करते हैं कि कहीं पर पानी की दिक्कत मरीजों को ना हो और पानी को जो है वो इस प्रकार उसका उपयोग हो कि मरीजों को दिक्कत ना आए। राजधानी